देख रहे हो तुम अपनी लाला के पास। गाड़ी को देख रहा हूँ, ले लो यार, एक अच्छी गाड़ी है भैया, ये कोई 4 लाख का। इसके साथ सब कुछ मिला, कैमरा, कपड़े, जूते, सब कुछ। अभी करते हैं व्लॉग की शुरुआत। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका, मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। अभी जा रहे हम अपने जानीपुर, मैं अपना क्रूज का थोड़ा सा काम देखना था और थोड़ा सा इनको पेमेंट करनी थी, देन उसके बाद थोड़ा सा सामान वगैरह को लाके देना वहां से। तो आज मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें पेट्रोल बिल्कुल थोड़ा सा कम है भाई, पेट्रोल का डलवाना पड़ेगा भाई। ऐसे भी पेट्रोल पंप पे वेट कर रहे हैं तो हम पेट्रोल डलवा ही लेंगे। तो वापस ज्यादा टाइम ना, टाइगर का थोड़ा सा काम करवाना है, वो भी करवा लेंगे। काम नहीं है पर थोड़ी चीजें डेंटिंग पेंटिंग, हार श्रृंगार करवाना, थोड़ा सा हार श्रृंगार करवा लेंगे इसका। तो टाइगर रेडी रहना, आधे टाइम करवाएंगे। टाइगर इतना ज्यादा उछलता है ना कि मुझे लगा तुझे कीड़ा तुझे कोई। तो आप लोग काफी ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, इस सबको दिल से प्यार हो, दिल से थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। आप इतने सपोर्ट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हो, तो बहुत बहुत थैंक यू है भाई। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। जिन लोगों ने मेरे से कोई बात करना चाहते तो बाकी इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पर सबको रिप्लाई करूँ, जिनको रिप्लाई नहीं हो पाता ना, कोशिश करता हूँ कि लाइव में आके ना सबसे बात की जाए। जब हमारी बात नहीं हो पाती है तो हम उनके साथ बातचीत कर पाए। तो यूट्यूब पे भी 3K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब करते करते कॉल पिक नहीं करनी चाहिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनका माउंट होता ना वो लगवा लूँ, जिससे मुझे कॉल वगैरह सब कुछ दिखता जाए आराम से। तो ये वाओ, आपने आफू भाई का डायलॉग, चाचा वाओ चाचा वाओ। कॉल वगैरह काफी आ रही है भाई, वेट कर रहे हैं बंदे। मेरी शिकायत रहती है भाई तू बहुत लेट आता है भाई, सॉरी सबको भाई जो जो मुझे ये बात बोलता है कि तू लेट आता है यार। इश्यू होता है विंटर्स में थोड़ा काम ज्यादा होता है, फिर भी बहुत ज्यादा मैनेज कर रहे हैं। फैमिली से काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बड़े भाई जो मेरे आसिफ भाई, अक्रम भाई, ये ज्यादा सपोर्ट करते हैं भाई। वो भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि भाई मुझे जाना प्लीज मैनेज कर लेना, सारा काम पीछे से मैनेज करते हैं, लव यू भाई। तो बाइक ठुके ना ठुके बट ये लैग गार्ड ना किसी दिन बाइक को किसी को किसी ने ठोक देंगे। इतने दूर है ना कि ज्यादा कटिंग करता हूँ ना कि भाई ये ना लग जाए, मैं हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ, बट ये गाड़ी के बिल्कुल क्लोज निकलते हैं। नॉर्मल किसी गाड़ी से टच भी हो गए ना तो भाई महंगा वाला नुकसान हो जाएगा। ये मैं चाहता भी नहीं कि इस रोड पर नुकसान हो, भी पास में और केस भी जल्दी पड़ेगा। इसके अंदर ना यही वाला शोरूम था, ये अपना रॉयल एनफील्ड का शोरूम देख रहे तुम। यहाँ से मैंने अपनी आजा ना यहाँ से परचेज की थी, तब हमारे वहाँ पे जम्मू में एक दो शोरूम अभी ओपन हुआ है बट उस टाइम नहीं था, यहाँ से मैंने परचेज की तब। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने, देख रहे हो तुम, अपनी लाला के पास। लाला का काम स्टार्ट हो चुका है, अभी लाला के ना मिरर वगैरह उतार दिए गए हैं। सो मिरर वगैरह सारे खाली कर दिए, अभी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है इसकी, अभी ऑलमोस्ट अभी काम कम्प्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है काम भाई। इनको सामान वगैरह थोड़ा सा पहुँचाना था तुम, इन्होंने ना पूरी विंडो वगैरह ओपन कर दी है भाई, तो उनसे पूछते हैं कि भाई कब तक अपनी लाला रेडी हो जाएगी। थोड़ा बहुत सामान जो था ना जो मेरे पास ने पहुंचा दिया यहाँ पे, वो हो सकता है मे भी 2-4 दिन में गाड़ी हमारे पास रेडी होके वापस आ जाए। गाड़ी आप देख ही चुके होंगे, गाड़ी ये फुल तैयार होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। थोड़ा सा इसका सामान थोड़ा ना वो दिल्ली से मंगवाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि वो सामान यहाँ पे नहीं मिलता इसका। जा रहे हैं थोड़ा सा हमें की क्या दिखाने वाले हैं हम लोग, एक मस्त वाला रोड बन रहा है तो वो देखने जाना है। कुछ गाइस हमारे साथ जो की स्टंट करने वाले हैं, सिद्रा का एक दिक्कत हो गई है, सिद्रा में आजकल थोड़ा सा स्टंट करना शुरू करो तो भीड़ जमा हो जाती है। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह का बड़ा सीन रहता है, लौंडे बोल रहे थे कि यार वहाँ पे स्टंट नहीं करेंगे, आज ये नया वाला मस्त चिकना रोड बना है तो यहाँ पे स्टंट वगैरह करते हैं। वाओ, रहा वो रोड जहाँ पे हमने आना था ना। तो ये रोड कहाँ निकल रहा है? अच्छा वो जगटीवल साइड जो 5 लाइन 6 लाइन निकल रहा है। अभी हम कुछ इस तरह की लोकेशन पहुंचे हुए हैं, सबका वेट कर रहे हैं। तो देख रहे हो भाई स्टंट स्टार्ट हो चुके हैं भाई, सारे स्टंटमैन आ चुके हैं हमारे पास। वाओ यार क्या मस्त वाला मजा आने वाला है यहाँ पे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये रोड, के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद अभी ये सीधा रोड आपको सांबे से ना और सीधा निकलेगा जगटी जाके। मैं काफी बार देखता था कि ये रोड किस साइड से निकलेगा बट मुझे फाइनली अभी पता चला है कि भाई जगटी वाली साइड से निकलने वाला ये रोड। ओ बड़ा अफसोस हो रहा है भाई, मीटर होता ना टॉप स्पीड चेक हो जाती। तो अपना काम स्टार्ट हो चुका है भाई, वाओ। तो लौंडो ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, वाओ 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 वाओ। तेरी भाई ने पता नहीं कौन सा वाला एग्जॉस्ट लगवाया, हम भाई को पूछते हैं भाई, भाई क्या एग्जॉस्ट कौन सा लगवाया इसको, साइलेंसर कौन सा लगाया इसको, सारा टूट गया है, सड़ गया था। तो इतनी मस्त वाली आवाज आ रही भाई गाड़ी की ना, तीन बंदे जा रहे हैं भाई एक स्कूटी पे।
So, इतना रोल कर करके ना बंदा बिल्कुल बैठ गए तो देखो तुम बंदे सारे बैठ गए भाई, इतना कंटिन्यूअसली ना बंदे ने एक मिनट रोल किया होगा पूरा, एक मिनट पूरा रोल करते, एक मिनट से ज्यादा रोल किया होगा भाई। तो बंदे को हमारे स्टंट देख देख के ना जोश आ गया, अब बंदा भी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। वाओ यार। तो ये देख रहे हो वन, ये रहे टू, सो ये देख रहे हो थ्री, ये तीनों के तीनों निशान यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब हम ओ लग गई नीचे, मस्त मजा आया शूट करने में और काफी ज्यादा टाइम हो गया, अभी हमें निकलना चाहिए घर को वापस। सो यही कर दे ब्लॉग का दी एंड, कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इजिकल टू प्लस माइनस डिग्री सेल्सियस राइट नाउ करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।